आज लोहरदगा लोकसभा के माननीय विधानसभा के सोसई आश्रम में जनसभा आयोजित की गई। इस दौरान लोहरदगा लोकसभा प्रत्याशी समीर राव सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जनता को 2000 से पहले के झारखंड को याद करवाया और कहा कि उससे पहले विकास नहीं था, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी। ये सब तब मुमकिन हो पाया जब बीजेपी की सरकार बनी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यदि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री नहीं होते तो झारखंड अलग राज्य नहीं बनता। अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनी होती, अटल जी प्रधानमंत्री नहीं बने होते तो अलग झारखंड राज्य नहीं बनता। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ कि आज अगर झारखंड राज्य बना है तो भारतीय जनता पार्टी के कारण बना है, जेएमएम के कारण नहीं बना है, कांग्रेस पार्टी के कारण नहीं बना है। हमें इस बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए और इसलिए मैं कहता हूँ कि लोग झारखंड के विरोधी है, झारखंड वासियों के ये लोग विरोधी है और ये लोग विकास के भी विरोधी है। अब याद करिए 2000 के पहले झारखंड के गाँव की क्या हालत थी। उस समय गाँव से हम लोग मेला देखने जाते थे, पैदल जाना पड़ता था कोसों दूर। हाट बाजार हम लोग जाते थे, कोसों दूर पैदल चलना पड़ता था। यहाँ तक कि बच्चे स्कूल भी जाते थे तो पैदल जाना पड़ता था। और इतना ही नहीं, शादी ब्याह में भी जो हमारे उम्र के लोग होंगे पूछ लेना, तो बारात में लोग जाते थे 10-12 किलोमीटर, तो पैदल जाना पड़ता था और पैदल आना पड़ता था कि गांव घरों तक सड़कें नहीं हुआ करता था, नदी नाला में पुल पुलिया नहीं था। बात सच है कि नहीं है बताइए। जब इस देश में बीजेपी की सरकार बनी, जब अलग झारखंड राज्य बना, तो आज गांव गांव तक सड़क पहुंच गया, नदी नाला में पुल पुलिया भी बन गया। आप तो हाट बाजार भी लोग गाड़ी से जाते हैं, मेला देखने भी गाड़ी से जाते हैं और शादी ब्याह में तो बड़े बड़े बस में डीजे लगा करके नाचते गाते लोग जाते हैं। बात सही है कि नहीं है बताइए। नाम बदल बदल करके उन्होंने क्या और बीजेपी के ऊपर कहते हैं। कांग्रेस वालों को तो बोलने का कोई हक नहीं बनता है। आज झारखंड प्रदेश में जितना अधिक कांग्रेस के राज्य में लोग विस्थापित हुए, उजाड़े गए, चाहे वो बड़े बड़े कारखाना खुला, एचईसी से कितना गांव और कितना परिवार विस्थापित हुए, इसका जवाब कांग्रेस को देनी चाहिए। जितना बड़े बड़े खदान खुले, बड़े बड़े डैम बना, वहां लोग विस्थापित हुए, उसका जवाब कांग्रेस को देनी चाहिए। मोदी जी के राज्य में 10 वर्षों में आप बताओ कहाँ कितने लोग विस्थापित हुए। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया, जो इस देश में जो लोगों ने आज हाशिए पर जिनकी दुकानें बंद हो रही है, वो लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं। हमें उस दुष्प्रचार की जवाब 13 तारीख को कमल निशान पर एक एक वोट दे करके देना है। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आया। भी यहाँ आपकी जमीन पड़ा हुआ है, चाहे वो भोयहारी जमीन हो, चाहे पहनाई जमीन हो, चाहे घर मजुरवा जमीन हो, फौरजारी कागज बनवा करके, कलकत्ता से बनवा करके और जमाबंदी कायम करके रजिस्टर 2 में चढ़वा करके और प्लॉटिंग करके भी बेचने का काम गुंडे और दलालों ने किया और हेमंत सोरेन के संरक्षण में हुआ। यहाँ तक कि सेना की जमीनों को भी नहीं छोड़ा गया। और इसलिए आज इस प्रदेश के पूर्व के मुख्यमंत्री को ईडी ने पकड़ करके उनको जेल में बंद किया है। उनका यही कसूर है। हमने तो इस मुख्यमंत्री को एक नहीं सैकड़ों पत्र लिखा था और हमने कहा था कि आप इसको जांच कराइए। अगर उस समय वो जांच कराते और जिन लोगों ने गड़बड़ कर रहे थे उन लोगों के गिरफ्तार किए होते तो आज हेमंत सोरेन को जेल जाना नहीं पड़ता। लेकिन ये तो उन गुंडों को, ये दलालों को पोषित कर रहे थे, संरक्षण दे रहे थे और इस कारण से आज हेमंत सोरेन भी जेल में बंद है। इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया। किसानों के खाते में भी साल में भारत के प्रधानमंत्री 6000 रुपया भेजते हैं और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हर घर में नल से जल पहुंचे। ये अलग बात है कि झारखंड में जिन लोगों की सरकार है, एनडीए अलायंस की गठबंधन की सरकार है, जिनमें कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल की सरकार है, कि जल जीवन मिशन को भी नल से जल घर तक पहुंचाने का योजना को भी भ्रष्टाचार ने खत्म कर दिया है। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ, जहाँ देश के प्रधानमंत्री जल भोजन की चिंता करते, पानी की चिंता करते, स्वास्थ्य की चिंता करते, सब कुछ चिंता करते। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ कि इस बार के चुनाव में जो हमारी चिंता करते हैं, जो गरीबों की चिंता करते, हमें उसकी चिंता करनी चाहिए और 24 में फिर से देश के प्रधानमंत्री बनाना है। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आया हूँ। आज झारखंड प्रदेश में किसकी सरकार चल रही है? एनडीए अलायंस की सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार है। ये सभी के सभी दल झारखंड विरोधी है, विकास विरोधी है। और इसलिए मैं आज आप सब से कह रहा हूँ कि झारखंड विरोधी, झारखंडियों के विरोधी, विकास के विरोधी ये लोग रहे हैं। अब याद करिए, झारखंड राज्य के आंदोलन आज से नहीं चल रहा था। जब देश आजाद हुआ था उसी समय से लड़ाई चल रही थी। जयपाल सिंह पहले लड़ रहे थे, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जयपाल सिंह को भी अपने पार्टी में मिला लिया, पैसे दिया, लेकिन झारखंड राज्य नहीं दिया। और बाद में शिबू सोरेन को भी सरकार बचाने के लिए पैसा दिया, झारखंड नहीं दिया। और जब सीबीआई की जांच हुई तो शिबू सोरेन को भी तिहाड़ जेल भेज दिया। लेकिन झारखंड वासियों की भावनाओं का कभी भी कांग्रेस पार्टी ने सम्मान नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने तो इस देश में 50-60 वर्षों तक राज किया था। अगर वो चाहते तो अलग झारखंड राज्य कब के बन गया होता, लेकिन वो झारखंड वासियों की कभी भी भावनाओं का सम्मान नहीं किया। अगर आज हम झारखंड के वासी है तो झारखंड राज्य बना है तो ये एनडीए गठबंधन का काल है और भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ, भारी मतों से विजय बनाना है। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आया हूँ। और इसलिए इसको हमें विजय बनाना है, क्योंकि देश में फिर से 2024 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से बनाना, यानी 10 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। इन 10 वर्षों में जो काम किया वो हम सब लोगों के सामने है, चाहे गांव के लोग हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, नौजवान हो, सबों के लिए, किसी भी वर्ग को इन्होंने नहीं छोड़ा। सब लोगों के लिए उन्होंने काम किया, सबके विकास के लिए काम किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और ये सिर्फ नारा ही नहीं, बल्कि इन्होंने इन 10 वर्षों में काम करके दिखाया है। और आगे भी काम करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हमें भारत को विकसित भारत बनाना है, समृद्ध भारत बनाना है। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, समृद्ध भारत की बात करते हैं, तो यानी आम लोगों की जो न्यूनतम जरूरतें हैं वो सबको समान रूप से उपलब्ध हो। न्यूनतम आवश्यकताएं क्या है? व्यक्ति की, लोगों की भोजन है, वस्त्र है, आवास है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। अगर आप इस दिशा में देखें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनते ही इन्होंने इस काम को प्रारंभ किया। पहले गांव घरों में, गरीबों के घरों में शौचालय नहीं होता था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से हमारी माँ बहनों की इज्जत को लिए इज्जत घर उन्होंने देने का काम किया, शौचालय देने का काम किया। और गरीबों को भी अपना घर हो उसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास भी देने का काम किया। यानी इन 10 वर्षों में पूरे देश में 4 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास बनाए गए। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि फिर से तीसरा बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो 3 करोड़ से भी अधिक प्रधानमंत्री आवास दिए जाएंगे। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज नेटवर्क को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।